हो गया। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या चीज़ बताई है कि एक टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप नेट से सर्च करें, उसकी आइडिया लें, ठीक है, पिक अ टॉपिक, उसमें मैंने आपको पहले ये ऑप्शन दिए, फिर प्रिपेयर अर आउटलाइन, जो आपने पढ़ लिया नेट से, रीड कर लिया है और जो उसके बारे में आपने मवाद इकट्ठा कर लिया, उसके पॉइंट्स पे उसको लिख लें ताकि आपके लिए ज़रा आसानी हो कि आप उसमें क्या क्या बता सकते हैं, आइडिया अपना लिख लें। फिर राइट अ थीसिस स्टेटमेंट, मीन्स यानी जो चीज़ें आपने आउटलाइन लिखी उसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन कर लें, ठीक है। थीसिस क्या थी, उसका एंड, आपका मेन फोकस उस पर किस पॉइंट पर होगा, थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी कि इस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। और उसके बाद मैंने लिखा था राइट द बॉडी। अब आप स्टार्ट करेंगे कि ऐसे आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखने के लिए आपको एक प्रॉपर मवाद आपका हो गया। अब आप उसको स्टार्ट, इंट्रोडक्शन पावरफुल होना चाहिए, उसके बाद आप उसके कॉजेज अफेक्ट्स बताएंगे और एंड द थर्ड थिंग कि उसका ओवरकम आप कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह आपका, और फिर राइट द इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आपका पावरफुल होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में आप उसकी सही चीज़ें लिखें, और कंक्लूजन और एंड में जो एंड उसका करेंगे ना, तो वो भी आप बताएंगे कि उसको आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़, अगर डिज़ीज़ के बारे में लिख रहे हैं या किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो वो कैसे ओवरकम हो सकता है। और फाइनल फिनिशिंग टचेस जो है एंड बहुत आसान तरीके से इजी वर्ड्स में करें, इनकम्प्लीट ना करें। बास लोग करते हैं कि ऐसे कोई इनकम्प्लीट लिख देते हैं तो उससे कोई पावरफुल ऐसे का आउटलाइन नहीं बनती। एंडिंग उसकी बहुत अच्छे तरीके से करें ताकि जो भी आपका ऐसे पढ़े या कॉन्टेक्स्ट में या पेपर के लिए या आपको प्रेजेंटेशन के लिए हो, तो वो लोग आपको इस, आपके इस टॉपिक को याद रखें और उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, उम्मीद है कि ना शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं फिर एक और टॉपिक के साथ आऊँगी। होप टू सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।